हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। ये डिज़ाइन कोण के थ्रू बनाई गई है, तो इसमें लगा है फेब्रिक्रिल डार्क रेड 14 नंबर का मरून कलर, पर्ल कलर है फेब्रिक्रिल 910, एंड ये लगा है फैब्रिक ग्लू, ब्रश और एक कोण लगेगा। तो पहले आप इसमें डार्क, ये जो मरून कलर है, मरून कलर के अंदर फैब्रिक कलर को मिक्स कर लें। हाफ फैब्रिक कलर लेंगे हम और हाफ ग्लू लेंगे, दोनों को मिक्स कर लें अच्छे से, और फिर इसे कोण के अंदर पूरा फिलिंग करके तैयार कर लें। और इसमें इसे पहले हम एक मार्क डालना पड़ता है, तो पहले यहाँ पर हम नेक का निशान लगा लेंगे, जैसे हमारा ये कुर्ती है, तो हम इस तरह नेक का निशान लगाएंगे। पहले हमें सेंटर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से एक यहाँ पर निशान लगाएं और यहाँ पर एक यहाँ निशान लगाएं, यानी यहाँ से इसके कॉर्नर से यहाँ पर फिंगर का 3 इंच का निशान लगा के इसको यहाँ पर निशान लगाएं। अब एक यहाँ पर लगाएं, इस तरह ऐसा गैप दे दें, ये भी 3 इंच का गैप आएगा, यहाँ पे भी 3 इंच का आएगा, यहाँ पे भी 3 इंच का आएगा। एक साइड में हम इस तरह निशान लगा लेंगे अच्छे से, फिर इसे हम पलटा कर इस पर अपोजिट करके इस तरह से रब करके यहाँ के निशान को ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारा निशान। ये इन निशान के बाद में फैब्रिक ग्लू को इसके अंदर मिक्स करने के बाद में हम इस तरह अपोजिट करके ढक्कन में हम थोड़ा सा इस तरह कलर ले लेंगे, और ये वाले बॉटल के ढक्कन से या इस तरह का ऐसा सर्कल बना के हम ये जो इसका ये हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम इस तरह एक सर्कल का शेप दे देंगे। इस तरह सर्कल के निशान लगाने के बाद में हम डिज़ाइन में जो सेंटर वाला पॉइंट है, पहले उसके अंदर ये इस तरह घुमेरी बनाएं। अब ये लेजी डेजी आकार की पत्तियों को बनाएंगे। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में हम सेंटर में, यानी दो पत्ती का जो सेंटर है उसके अंदर एक और पत्ती बनाएंगे। कोण पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एकदम निकल जाता है, लिक्विड रहता है ये। ये करने के बाद में हम जो ये लाइन जगह बची है इसमें इस तरह लाइन को ऐड करेंगे। इस तरह बनाए इसे, और पेंटिंग करने से पहले इसे इस तरह से कार्डबोर्ड में या पेपर से अटैच कर लें, वॉश ज़रूर करें कपड़े को।
इस तरह इक्वल डिज़ाइन लें, पहले सर्कल बनाएं, फिर ये फ्लावर बनाएं और इस तरह की पत्तियां बनाएं। ड्राई होने के बाद में हम ये इससे ऐड करेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में, ड्राई होने के बाद में हम इसमें यहाँ सिल्वर कलर के डॉट्स देंगे। तो इस तरह आप बॉटल को अपोजिट करके ढक्कन में जो कलर आता है वो लीजिए 0 नंबर के ब्रश से। अब जो पत्ती का टॉप साइड है यानी जो बना हुआ है उसके ऊपर हम इस तरह से इसे बिंदियाँ देंगे। इस तरह पत्तियों में डॉट्स डालने के बाद में जो ये वाली लाइन है इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे इस कलर से। बीच में यहाँ बिंदी ले लेंगे। जहाँ हमने सिल्वर लिया है वहाँ आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक डार्क एक लाइट कलर का बनाएं इस तरह ये। इस तरह कंप्लीट करें और ये जो नेक में हमने यहाँ ब्रश के पीछे के टिप से ये ब्राउन कलर के ले लिए हैं डॉट्स और ये सिल्वर कलर के डॉट्स ले लिए, इस तरह बनाई जाती है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।